ये जो सुख और दुख की अनुभूति होती है, इसका कारण यह है कि भगवान ने मानव शरीर में 5 इंद्रियां दी हैं, ज्ञान इंद्रियां। ये इंद्रियां जब अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो सुख और दुख की अनुभूति होती है। जैसे कान है, अगर उसको अपना विषय मधुर संगीत मिलता है तो सुख की अनुभूति हो जाती, और कर्कशा आवाज आती है तो दुख की अनुभूति होती। यह 5ों मनुष्य की ज्ञान इंद्रियों का यही हिसाब किताब है। तो ये जो सुख और दुख आते हैं इंद्रियों के कारण, ये स्थिर नहीं होते। ये तो जैसे सर्दी आती है फिर गर्मी आ जाती है, तो गर्मी के बाद फिर से सर्दी आ जाती है, इसी प्रकार से ये इंद्रियों के सुख दुख ये आते हैं जाते हैं। अर्थात वो इंद्रियों के जो सुख हैं ये स्थिर नहीं होते। देखो जैसे बच्चे लोग च्युइंगम खाते हैं ना, तो च्युइंगम पहली बार मुंह में डालते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो चिकलेट खाते थे, आजकल पता नहीं क्या कहते हैं उसको, तो पहले बहुत मीठी लगती थी, फिर कम मीठी हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर खत्म। अब उससे कोई सुख नहीं मिला, वही विषय से वैराग्य हो गया। तो बच्चा लेके अपने क्लास फेलो सहपाठी के कुर्सी पर रख देता, तू बैठ जा इसके ऊपर, मुझे वैराग्य हो गया। ये सर्वत्र संसार का हाल। जब युवक युवतियों को युवावस्था में प्रेम रोग लगता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे। अब वही लड़की विवाह करके घर में आई तो सबको सुख मिला, सास ने नई बहू की आरती उतारी, उसके चरणों को गुलाब की पंखड़ियों पर रखा गया, कुछ लोग अन्न पर रखते हैं, महालक्ष्मी घर पधार रही हैं, चलो अन्न पे रखो। ये नई बहू का स्वागत किया जाता है, सबको बहुत सुख मिलता है, अड़ोसी पड़ोसी भी आते हैं कि बहू आई है चलो हम दर्शन कर लें। तो बहू के दिव्य दर्शन के लिए वो लोग दक्षिणा भी देते, सब लोग न्योछावर हो रहे। उसने भी आकर पति के चरण दबाए, सास के चरण दबाए। उसके बाद क्या क्या हुआ, 1 महीना निकला, अब सास की तो भौं टेढ़ी होने लग गई। 4 महीने निकले, पति का भी नाक ऐंठने लगा। 1 साल निकला, बहू की हालत, वो बीमार थी, पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसिन से कहा, सुना है बहू की तबीयत ठीक नहीं है, जाके देख लेते, मेरे पास टाइम नहीं है। लो पूर्ण वैराग्य हो गया, पहले तो बहुत व्याकुल थी देखने के लिए, अब क्या हो गया, रोज रोज जाने के लिए फुर्सत नहीं है। ये क्या होता जा रहा, 4 साल निकले। पतिदेव कहते हैं, मेम साहब आपसे तो क्या विवाह किया, हमारी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। ये देखिए यही लोग 4 साल पहले क्या कह रहे थे, साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे, और 4 साल के बाद ऐसा हो गया। ये संसार का स्वरूप है ना, यानी कहीं अगर सुख मिलता है वो स्थिर नहीं रहता, वो घटता जाता है, घटता जाता है, फिर खत्म। जैसे कैनाल होती है, नदी से कैनाल निकलती है ना, तो पहले बहुत बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी छोटी, फिर वो सूख जाती। ये संसार का हाल। अब अगर कोई कहे, नहीं स्वामी जी ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ, क्या मतलब, मतलब वो हमारे विवाह को तो 3 साल हो गए, आज तक कोई खटपट नहीं हुई,
अच्छा आगे जाके होगी, यानी वो शास्त्र की बात गलत नहीं हो सकती है। आप प्रतीक्षा करते रहो, संसार का स्वरूप आपके सामने आ जाएगा।